दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्मार्टफोन को किस जेब में रखना चाहिए, रखना भी चाहिए या नहीं रखना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में मैं आपका दोस्त सुखबीर सिंह बताता हूं कि फ़ोन को किस जेब में रखें। देखिए दोस्तों, आपको अंदाज़ा नहीं है कि फ़ोन हमारे लिए कितना खतरनाक डिवाइस है, क्योंकि इससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे शरीर पर बहुत ही बुरा इफेक्ट डालती है, जिसकी वजह से हमारी आंखों में जलन और यहाँ तक हमको नींद भी नहीं आने की परेशानी देखी गई है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि फ़ोन को गलत जगह रखने से हमारे शरीर में विकृतियाँ आ सकती हैं, जो कि कुछ इस तरह हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर आप शर्ट की जेब में फ़ोन रख रहे हैं तो इसकी वजह से आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। एक रिसर्च में यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन आपके दिल को कमजोर करती है। दूसरा, अगर आप अपने फ़ोन को पैंट की जेब में रख रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको खतरनाक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यह रिसर्च में पाया गया कि पुरुष जो आगे वाली जेब होती है उसमें अगर मोबाइल रख रहे हैं तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, जिसके कारण आपके स्पर्म काउंट में कमी आ सकती है और उनकी क्वालिटी भी खराब हो सकती है। अब सवाल यह आता है कि क्या फ़ोन को पीछे की जेब में रखना चाहिए? तो दोस्तों, हम बता दें कि पीछे की जेब में फ़ोन को रखना भी नुकसानदायी होता है। इसका सीधा साधा कारण यह है कि जब आप पीछे की जेब में फ़ोन को रखते हैं तो उसकी वजह से आप अच्छी तरह से बैठ नहीं पाएंगे, जिसके कारण आपको हिप बोन होने का खतरा रह जाएगा। क्या फ़ोन को जांघों के पास रखना एकदम सही रहेगा? तो दोस्तों, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जांघों के पास मोबाइल रखने से आपके हिप पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा, जिसके कारण आपको हिप बोन का नुकसान बना रहेगा। तो दोस्तों, आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, जब भी आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तब ही उस मोबाइल को अपने हाथों में यूज़ करें, अन्यथा उसके बाद में उस स्मार्टफोन को अपने बैग में ही रखें। और सबसे और आखिरी बात, जाने से पहले एक बात ये ज़रूर जान लें कि अपने फ़ोन को रात भर चार्जिंग में लगाकर नहीं सोना चाहिए। अगर आप सोते हो तो उसकी वजह से बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर इसके बारे में जानना है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको नई वीडियो में इसके बारे में बताते हैं।